हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ये बीच में ये स्टैंड लगा रहे हैं पर्दा लगाने के लिए, क्योंकि जो पहले था जो स्टैंड वो गिर चुका था, क्योंकि पर्दा थोड़ा मेरा हैवी है तो इसमें 3 स्टैंड जो है वो अटैच करना पड़ेगा। तो देखो, साइड में भी है और बीच में भी है, और यहाँ पे सारा सामान ऐसे निकाल के ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो इसके वजह से ना ये थोड़ा सा वजनी है, तो ये वजन सह नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे भी ड्रिल कर दिए हैं और यहाँ पे बीच में भी यहाँ पे ड्रिल कर दिए हैं और उधर साइड में भी, तो उससे थोड़ा सा बैलेंस बना हुआ है, तो ये अब सही लग रहा है। तो आज ना एक्चुअली क्या हुआ, ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ये पूरा देखिए ये छेद हो गया है। आज सुबह ना मैं जब चीला बनाई थी और उसके बाद मैं जब इसमें चटनी पीसने के लिए गई, तो देखिए ये क्या हुआ है, पूरा ये छेद हो गया है यहाँ से। ये सोचो कि मतलब कुछ हुआ नहीं, मेरे को बच गई मैं, ये पूरा छेद हो गया है। और ये इसमें ऐसे ब्लेड लगे रहते हैं, तो ये देखिए एक ब्लेड यहाँ पे नहीं है, तो ये हालत हुआ है ब्लेड का। अच्छा हुआ कि मैं टाइम रहते हुए इसको जल्दी से बंद कर दी, नहीं तो ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो ये कहो कि एक हादसा टल गया आज। हाँ। सच बताओ, याद था आपको? हाँ था ना, मैं यहीं पे था जब मैं बोली कि इसको लेके आओ बोल के, तो याद था एंगल लेके आओ बोले थे। फल ले रहा था। अच्छा, फल ले रहे थे? हाँ। यही से फल लिए क्या? तो ये तो बहुत महंगा लगाते हैं लोग, और कहीं नहीं जा सके। पूछ के ले आऊं भाई। क्या क्या लेके आओ? तो कुछ नहीं, सेब और केला लेके आया। अच्छा, और वो लेके आया सामान एंगल? दो अनार है, इसको खा लूंगी मैं, पुराना वाला बच्चा है, कल चढ़ाने के लिए ना। और चढ़ाने खाने। क्या क्या है इसमें? उसमें है चुकंदर 1 पाव। चुकंदर 1 पाव लाए हो? हाँ। और शिमला? शिमला 1/2 किलो। टमाटर 1 किलो। अच्छा, 1 किलो टमाटर और लहसुन। ठीक, गुड, सारा सामान लेके आया हो। घर पे अभी हमारी लाइट नहीं है, तो यहाँ पे मैं पानी गर्म करने के लिए लगा दी हूँ गैस पे नहाने के लिए, और इधर सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं, और ये चले गए हैं अभी नहाने के लिए। और इसमें मैं भाजी काट के रखी थी, तो इसको भी 2-3 बार धुल दी हूँ अभी लंच में बनाने के लिए। ये पालक है, इसके बाद मैं नहाऊंगी, पानी गर्म हो जाएगा तो। और ये यहाँ पे अभी मैं इनहेलर लेने वाली हूँ, तो ये वेपराइज़र को यहाँ पे लेके आए हैं पानी भर के, और उसमें एक कैप्सूल सा रहता है इनहेल करने के लिए, उसमें लिक्विड होता है, तो उसको इसमें डाल रहे हैं वो, तो उसकी खुशबू विक्स के जैसी होती है। और अगर आप भाप लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे को थोड़ा जुकाम टाइप से लग रहा है, तो मैं भाप ले लूँगी तो सही रहता है। ये देखिए लिक्विड से था, इसमें डाल दिए, ग्रीन कलर का रहता है। और अब इसमें क्या करेंगे, इसको फिट कर देंगे, और फिट कर देने के बाद इसको अभी प्लग में लगा देंगे, और लगा के अभी ऑन कर देंगे, तो इसके थ्रू से इसमें मैं भाप लूँगी। अभी ये ऑन कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे भाप ले रही हूँ, ये स्टीम निकल रहा है, नाक थोड़ा सा जलन जैसा लग रहा है ठंड के वजह से, इसलिए तो स्टीम लेने से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये अनार छील दे रहे हैं मेरे लिए। मेरे को ना एक्चुअली ये जो अनार छीलने का काम लगता है ना, बहुत ही बोरिंग लगता है, तो इनसे मैं छिलवा रही हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना,
चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और बेल आइकन को इसी तरह आप लोग दबा देना तो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाएगा जब मैं वीडियो डालूँगी। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये इवनिंग का टाइम है और ये अपने लिए लेके आया है पनीर रोल, और मेरे लिए लेके आए हैं एग चाउमीन। तो चाउमीन बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा।